हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का इंग्लिश का चैप्टर नंबर वन, जो आपकी पोएम है वेकअप। सो इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे कि आंसर्स क्या रहेंगे या फिर आप किस तरह से उनको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। सो बर्ड्स जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में एक दूसरे से क्या बोलते हैं। आई थिंक बर्ड्स सेज गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। तो वो क्या बोलते होंगे, गुड मॉर्निंग। Who are already awake? कौन जो है पहले ही जाग चुके हैं। So birds, bees, cow, horses, ducks, sheep and chicken are already awake. Next question है, which creatures wake up in the morning before the child does? अब कौन से creatures ऐसे हैं जो पहले जाग जाते हैं बच्चे के जागने से। So birds, bees, cows, horses, ducks, sheep and chicken, जो already हमने पहले दिया था, same answer रहेगा यहाँ पर। Now imagine that a cow, a horse, a duck and a chicken are meeting for a morning meal. What would they say to one another, talk about it? तो अगर वो मिलते हैं तो एक दूसरे से क्या बातें करेंगे। First of all they would greet each other, एक दूसरे को wish करेंगे, good morning wish करेंगे। Then they would talk about the last night's sleep. Then they would talk about the pleasant morning and they would talk about the morning meal. So ये सब चीज़ें वो बात मतलब एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। Now next है, connect the pair of sentences below using and or but. So and or but का use करके आपको इनको जो है क्या करना है, means जोड़ना है। It is time to get up for school. I want to sleep for some more time. कि स्कूल जाने का टाइम हो गया है और मैं बहुत सोना चाहता हूँ, तो इसका क्या होगा, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। स्कूल जाने का टाइम हो गया बट लेकिन आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं थोड़ा और टाइम सोना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, शीला गोट सम चॉकलेट फॉर हर बर्थडे एंड सी गोट सम न्यू क्लोज टू। तो ये दोनों चीज़ें उसे ही मिली है, तो वी विल यूज़ एंड। शीला गोट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड न्यू क्लोज फॉर हर बर्थडे। नेक्स्ट है, एवरी वन हैज़ गोन टू स्लीप एंड आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। सब जो सोने चले गए हैं और मुझे अपनी बुक पढ़नी है, अब क्या होगा, मीन्स सब की सोने का टाइम हो गया, यानी कि उसे भी सोने के लिए बोला गया बट लेकिन वो क्या करना चाहता है, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। नेक्स्ट है, राजू प्ले क्रिकेट ही ऑल्सो प्ले हॉकी। सो अब राजू ही दोनों काम कर रहा है, सो वी विल यूज एंड। राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। अब ये क्या है, आपकी वर्ब्स हैं, उसके बाद उनको जो है मीन्स अगर दो के बीच में कंपेरिजन है कैसे लिखना है, एंड जब सब लोगों के बीच में कंपेरिजन है तो कैसे लिखते हैं, जैसे टाइनी, टाइनियर, टाइनियस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपियस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। मोस्टली सब में सेम रहता है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे वो बिल्कुल चेंज होता जाता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, और लेट का भी आप देख सकते हैं, जैसे लेट में सेम, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, लवली, लवलियर और लवलीएस्ट। सो इस तरह से ये वर्ड्स जो हैं आपके चेंज हो सकते हैं, इनको आप यूज़ करते हैं जब कंपैरिजन किया जाता है। अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो आप ये सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और अगर ज़्यादा चीज़ों का मतलब दो से ज़्यादा अगर हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे। सो ये था आपका चैप्टर नंबर वन जो पोएम है वेकअप, उसके क्वेश्चन आंसर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।